पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी वो होती है जो आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। सो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जबकि बहुत जरूरत है इंडिया में ये एक प्रोटेक्शन टूल के हिसाब से अपने रिस्क प्लानिंग में इस पॉलिसी को ऐड करना। तो मैं बेसिकली आपसे स्टैटिस्टिक्स पे बात करूंगी, डेटा पे बात करूंगी। इंडिया में अकेले 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट हुए लास्ट ईयर, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई। लास्ट अगर हम डिकेड की बात करेंगे, लास्ट 10 साल की बात करेंगे, तो 13 लाख पीपल डाइड एंड 50 लाख गॉट इंजर्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। और हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। तो इस डेटा के हिसाब से और इस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो हमें पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी की कॉस्ट बहुत ही कम होती है, इट इज लोअर देन योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, न्यू ऑफरिंग है फ्रॉम HDFC अर्गो, विच इज माई हेल्थ कोटी सुरक्षा प्लान। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुलीन कौटिक को और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ एक सॉर्टेड और एक हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करूंगी मैं माई हेल्थ कोटी सुरक्षा प्लान फ्रॉम HDFC अर्गो। सो ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस कंपनीज के पास उनके पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान की ऑफरिंग है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तब इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे प्लान्स लेकर आ रही हैं जिस चीज की एक्चुअल में जरूरत है, जो चीजें पर्सनल एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस में डिमांड की जाती है, जो लोग मांगते हैं, उस हिसाब से ये प्लान डिजाइन किए जाते हैं, तभी ये न्यू प्लान्स इंश्योरेंस कंपनीज लेकर आ रही हैं। सो कुछ टाइम पहले मैंने मैक्स बुपा का पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान का रिव्यू करा था, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। सो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ माई हेल्थ कोटी सुरक्षा प्लान फ्रॉम HDFC अर्गो। सो पहले बात करेंगे कवरेज के बारे में कि कवरेज क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा है परमानेंट डिसेबिलिटी, देन टोटल टेम्पररी डिसेबिलिटी, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड है जो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस, ब्रोकन बोन्स का कवरेज है इसमें, देन हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज ऑल्सो देयर, डिपेंडेंट चाइल्ड एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, लास्ट राइट्स के एक्सपेंसेस हैं, पेरेंटल केयर बेनिफिट है एंड बर्न्स बेनिफिट है। सो अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है और कवरेज स्कोप क्या है। एक्सीडेंटल डेथ, सो बेसिकली इसको हम इलैबोरेट करेंगे कि एक्सीडेंटल डेथ में क्या क्या कवर्ड है। एक्सीडेंटल डेथ, डिसअपियरेंस और कोमाटोज। तो एक्सीडेंटल डेथ में जो बेस सम इश्योर्ड है, अगर किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, तो बेस सम इश्योर्ड पे कर दिया जाता है बेनिफिशियरी को। डिसअपियरेंस है कि किसी की बॉडी को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट, इंश्योर्ड पर्सन की बॉडी नहीं मिलती है 365 डेज तक, तो डिसअपियरेंस के क्लॉज में हम उनको एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम यहां से कर सकते हैं। सो कोमाटोज मतलब कोमा की स्टेट में, अगर कोई कोमा की स्टेट में चले जाते हैं ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजरी, और विद इन 1 मंथ, मतलब एक्सीडेंटल इंजरी के 1 महीने के अंदर अंदर कोमा में चले जाते हैं और 3 मंथ तक कोमा में रहते हैं, सो देन ऑल्सो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम विल बी पेड, बेस सम इंश्योर्ड विल बी पेड। सम इंश्योर्ड की जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है 10 लाख से लेके 1 करोड़। कोमाटोज में 50% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड मिलेगा, जो भी आपने सम इंश्योर्ड लिया है उसका 50% दे दिया जाएगा कोमाटोज कंडीशन में, मैक्सिमम विल बी 25 लाख। तो मैं बताना चाहूंगी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो इंडेमनिटी पॉलिसी होती है, कि जितना एक्सपेंस आएगा उतना एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी या हॉस्पिटल को रीइंबर्स कर देगी। यहाँ पे इट्स अ फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी, हर चीज के बेनिफिट स्पेसिफाइड होंगे कि इस केस में इतना दिया जाएगा, इस केस में इतना दिया जाएगा। नेक्स्ट इज परमानेंट डिसेबिलिटी। मान लीजिए एक्सीडेंट होने के कारण परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी में पूरा टेबल बना होता है जो आप रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए लॉस ऑफ टू लिम्ब्स, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, लॉस ऑफ टू लेग्स, लॉस ऑफ आईज, ऐसे पूरा टेबल बना हुआ है। तो एक परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड, परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड पे कर दिया जाता है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है और इरिवर्सिबल लॉस है, देन इन दैट केस 100% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। अगला है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। सो कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट के केस में, एक्सीडेंट होने के कारण टेम्पररी डिसेबिलिटी हो जाती है, विच इज कि कुछ टाइम तक आप डिसेबल रहते हैं, उसके बाद आप वापस काम पे जा सकते हैं। सो उस केस में एक फिक्स्ड बेनिफिट दिया जाता है विच इज कॉल्ड वीकली बेनिफिट, और मैक्सिमम 104 वीक्स तक दिया जाएगा ये। इसका सम इंश्योर्ड है 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीज फॉर 104 वीक्स, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं अकॉर्डिंगली आपका वीकली बेनिफिट आप चूज कर सकते हैं और ये क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है बर्न्स। तो बर्न्स के केस में भी ये पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल है। अगर बर्न्स हो जाते, कोई ऐसी इंजरी है जो रिजल्ट करती है बर्न्स के अंदर, और उस केस में आपका जो सम इंश्योर्ड स्पेसिफाइड होता है, सम इंश्योर्ड स्पेसिफाइड है जो 50,000 से लेकर 75,000 का एज पर द प्लान ऑप्टेड, आगे हम बात करेंगे उन ऑप्शंस के बारे में, एज पर टेबल ये सम इंश्योर्ड पे कर दिया जाता है। और दिस इज ओवर एंड अबव द एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड।
अगला है ब्रोकन बोन्स बेनिफिट. मान लीजिए एक्सीडेंट के वजह से कोई आपकी हड्डी टूट जाती है, तो ब्रोकन बोन्स बेनिफिट एप्लीकेबल होता है. वहां पे परसेंटेज मिलता है सम एश्योर्ड का अगर वो फ्रैक्चर ड्यू टू एक्सीडेंट है. सो सम एश्योर्ड है 1,00,000 रुपीज और एज पर टेबल बेनिफिट दिया जाएगा. ये ओवर एंड अबव है एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड के. एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप 100% ब्रोकन बोन्स का सम एश्योर्ड यूज कर लेते हैं तो आप जब रिन्यूअल के टाइम पे ब्रोकन बोन्स का ऑप्शन लाइफ टाइम में चूज नहीं कर सकते हैं. अगला है इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस. अगर एक्सीडेंट की वजह से इमरजेंसी में लेके जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो भी कवर्ड है इस पॉलिसी में अप टू 1,00,000 रुपीज. वो उन कंडीशन में होगी अगर मान लीजिए इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने का टाइम नहीं है या हमें इमीडिएटली एडमिट करना पड़ रहा है, बिकॉज नहीं तो इट कैन लीड टू डेथ और एनी सीरियस लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट. तो उस वजह से आपका 1,00,000 रुपीज का बेनिफिट इस पॉलिसी में कवर्ड है. अगला है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट. सो हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट होता है कि आप जितने दिन हॉस्पिटल में रहते हैं उतने दिन का आपको डेली कैश बेनिफिट मिल जाता है जो आप बाकी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं अपने बाकी एक्सपेंसेस के लिए. यहाँ पे 3,000 रुपीज पर डे का फिक्स्ड है एंड दिस इज ओनली इन केस ऑफ एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन. और मिनिमम 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है और मैक्सिमम आप 30 डेज तक ये क्लेम कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है डिपेंडेंट चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट. मान लीजिए जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है, उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट और एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम एडमिसिबल होता है, उस केस में एक डिपेंडेंट चाइल्ड एजुकेशन एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं. ये टोटल मिलेगा, जितने भी बच्चे हैं टोटल एक सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा फैमिली को टू टेक केयर ऑफ देयर एजुकेशन. सो इस सम एश्योर्ड की ऑप्शन है 1,00,000 रुपीज से लेकर 10,00,000 रुपीज एज पर द प्लान ऑप्टेड और 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड दे दिया जाता है. नेक्स्ट है पेरेंटल केयर बेनिफिट. मान लीजिए जिनके नाम पे पॉलिसी है और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनके साथ में, तो उनके लिए भी एक सम एश्योर्ड दिया जाता है, एक परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाता है. सम एश्योर्ड है 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का. ये एज पर प्लान ऑप्टेड है. हम प्लान्स के बारे में आगे बात करेंगे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. एंड ये कवरेज सिर्फ एप्लीकेबल है लिविंग डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए ही. टोटल कवरेज है ये दोनों पेरेंट्स के लिए, दो डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए मिला के टोटल इतना सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा. अगला है लास्ट राइट्स का कवरेज. मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ होती है, उस केस में 10,000 रुपीज का फिक्स्ड बेनिफिट दिया जाएगा टू परफॉर्म दी लास्ट राइट्स. अब हम बात करेंगे, चार सम एश्योर्ड अवेलेबल है इस पॉलिसी में, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़. एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो अवेलेबल है 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख है, विच इज 100%. 25 लाख की पॉलिसी में 25 लाख, 50 लाख की पॉलिसी में 50 लाख और 1 करोड़ की पॉलिसी में 1 करोड़. डिसअपीयरेंस की जो हमने बात की थी कि अगर 365 डेज तक अगर इंश्योर्ड की बॉडी नहीं मिलती है ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ, तो उस केस में डिसअपीयरेंस में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट पे कर दिया जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड. तो सेम रहेगा, 10 लाख के केस में 10 लाख, 25 में 25 लाख, 50 लाख में 50 लाख और 1 करोड़ में 1 करोड़. अगला है कोमाटोस बेनिफिट. अगर एक्सीडेंट की वजह से कोमा में जाते हैं तो कोमाटोस बेनिफिट ट्रिगर कर जाता है, तो उसमें 10 लाख की पॉलिसी में 5 लाख का बेनिफिट है 50% और 25 लाख की पॉलिसी में 50% होगा 12.5 लाख. 50 लाख की पॉलिसी में 50% है 25 लाख. 1 करोड़ की पॉलिसी में 50% होता है 50 लाख, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है इसकी 25 लाख, तो 25 लाख ही पेएबल होगा. नेक्स्ट है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी. ये एज पर टेबल पे किया जाएगा. डिसेबिलिटी किस एक्सटेंट तक की है, क्या लॉस हुआ है, उसके हिसाब से पे किया जाएगा. तो यहाँ पे बेनिफिट है 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख का, 25 में 25 का, 50 लाख में 50 लाख का और 1 करोड़ में 1 करोड़ का. तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड बेनिफिट है और परसेंटेज पे किया जाएगा एज पर द डिसेबिलिटी. उस हिसाब से वो टेबल के हिसाब से पे किया जाएगा. टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी की जो हमने बात की थी कि अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी हुई है और अप टू 104 वीक्स तक ये बेनिफिट दिया जाएगा और इसमें 10 लाख के सम एश्योर्ड में 10,000 रुपीज का बेनिफिट है. 10,000 रुपीज पर वीक है, दिस इज वीकली बेनिफिट. 25 लाख के केस में 25,000, 50 लाख के केस में 50,000 और 1 करोड़ के केस में 1,00,000 रुपीज. इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस जो इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है सब में सेम है 1,00,000 रुपीज. डिपेंडेंट चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट जो है दिस इज 10%. सो 10 लाख के केस में 1 लाख है, 25 लाख के केस में 2.50 लाख है और 50 लाख के केस में 5,00,000 रुपीज है, 1 करोड़ के केस में 10,00,000 रुपए है. लास्ट राइट्स की कॉस्ट है ये फिक्स्ड है सब में 10,000 रुपीज. पेरेंटल केयर बेनिफिट है ये है आपकी 10 लाख, 25 लाख और 50 लाख की पॉलिसी में 50,000 इन ऑल थ्री पॉलिसीज और 1 करोड़ की पॉलिसी में 1,00,000 रुपीज. ये पेरेंटल केयर डिपेंडेंट पेरेंटल केयर बेनिफिट है. ब्रोकन बोन्स का बेनिफिट अक्रॉस सेम है 1,00,000 रुपीज इन ऑल द प्लान्स. बर्न्स के केस में 10 लाख की पॉलिसी में 50,000 का बेनिफिट है, 25 लाख में 50,000 है, 50 लाख में 50,000 है और 1 करोड़ की पॉलिसी में 75,000 का फिक्स्ड बेनिफिट है. हॉस्पिटल कैश जो है जो 3,000 रुपीज पर डे का बेनिफिट है
एंड इट इज सेम इन ऑल दी प्लान्स। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 80 ईयर्स। काफी सारी पॉलिसीज में 65 तक होता है, यहाँ पे 80 ईयर्स का ऑप्शन अवेलेबल है विच इज गुड। एंड पॉलिसी पीरियड ऑप्शन है वही 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। अगर आप 2 ईयर्स और 3 ईयर्स की पॉलिसी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रीमियम डिस्काउंट मिलता है। 2 ईयर्स की पॉलिसी पे 7.5% और 3 ईयर्स की पॉलिसी पे 10%। अगर आप अपफ्रंट 3 ईयर्स प्रीमियम दे देते हैं तो टोटल प्रीमियम पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो जितनी आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। हमने बात करी कि मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज 18 ईयर्स और 80 ईयर्स है, लेकिन हम अगर बात करेंगे कि 70 ईयर्स के बाद जो मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ का सम इंश्योर्ड है वो 15 लाख ही ले सकते हैं। अब बात करते हैं अंडरराइटिंग की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, जितनी भी आपकी इनकम है उसका 10 टाइम्स तक आप सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में बात करेंगे, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मैक्सिमम 25 लाख की पॉलिसी मिल पाएगी, उससे ऊपर नहीं। और अगर आप रिटायर्ड हैं और या हाउसवाइफ हैं विद पेंशन और इंटरेस्ट इनकम तब आपको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। अगर 1 CR की पॉलिसी आप ले रहे हैं और 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम की एलिजिबिलिटी आपकी बनती है तो इनकम प्रूफ नहीं चाहिए इस पॉलिसी में। और डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशन मेंशन करना जरूरी है, आपका प्रोफेशन क्या है, बिकॉज इसमें एक नेगेटिव ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो काफी कंपनीज में होती है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करा है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन ये पर्सनल एक्सीडेंट में नहीं लेंगे। पहला तो है जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उनके लिए पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, RAF, CRPF एक्सेट्रा, इनके लिए भी नहीं है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं तब भी पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। हैजार्डस स्पोर्ट्स में है, बंजी जंपिंग में, जेट स्कीइंग में, पैराग्लाइडिंग में तब भी ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। मर्चेंट नेवी में है तो भी ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। एयरलाइन पायलट्स हैं या ऑफशोर वर्कर्स हैं जो ऑयल रिग्स और ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं वो भी नहीं ले सकते हैं। स्ट्रक्चरल वर्कर्स हैं, विंडो क्लीनर्स, मतलब बेसिकली हाई रिस्क जॉब्स होती हैं तो यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं देगी HDFC को। क्लेम का थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, उसमें बेसिकली आपको क्लेम फॉर्म लगाना होगा, FIR चाहिए होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डेथ या डिस्चार्ज समरी, इंश्योर्ड और नॉमिनी जो क्लेमेंट है, जो बेनिफिशियरी है, उनका ID प्रूफ चाहिए होगा और इंश्योर्ड का भी। EFT डिटेल्स चाहिए होंगी जहां पे पेमेंट आपको चाहिए जिस अकाउंट में, बेनिफिशियरी की, और KYC फॉर्म देना है साथ में। अगर नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है और लीगल हायर क्लेम कर रहे हैं तो लीगल हायर का एक सर्टिफिकेट देना होगा बनवा के और वो सबमिट करना होगा। अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या PPD का क्लेम है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, तो उस केस में आपका ड्यूली फिल्ड फॉर्म चाहिए होगा, FIR कॉपी चाहिए होगी, नॉमिनी की फोटो ID प्रूफ चाहिए है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए होंगी, जो भी आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स हुई हैं सारी वो चाहिए होंगी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, परमानेंट डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट, डिस्चार्ज समरी हॉस्पिटल की, NEFT डिटेल्स या कैंसिल चेक जहां पे आपको पेमेंट लेनी है, और ड्यूली फिल्ड KYC फॉर्म। अगर टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी है तो वो ये ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म है, FIR है, MLC लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, ट्रीटिंग प्रैक्टिशनर से लेटर कि आपने अगर बेड रेस्ट करा है तो पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट और कितने टाइम के लिए और क्या एडवाइस किया गया है, लीव सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं तो वहां से लीव सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी और ट्रीटमेंट रिकॉर्ड सारे, NEFT डिटेल्स और कैंसिल चेक जहां पे आपको पेमेंट चाहिए, KYC डॉक्यूमेंट्स एंड ID प्रूफ। अब मैं बात करूंगी कि एक्सक्लूजन क्या है पॉलिसी में, किस सिनेरियो में पर्सनल एक्सीडेंटल क्लेम नहीं पे किया जाएगा। अगर वॉर ऑफ एक्ट है, एक्ट डिक्लेयर कर दी गई है कंट्री में, तो उस केस में पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी, वहां पे क्लेम नहीं दिया जाएगा। अगर आप खुद सेल्फ इंजरी या सुसाइड की कोशिश करते हैं तब भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। आप कोई लॉ ब्रीच करते हैं तब भी ये क्लेम नहीं पे किया जाएगा। या आप कोई पार्टिसिपेट करते हैं नेवल, मिलिट्री या एयरफोर्स ऑपरेशन में तब भी यहाँ पे आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी से क्लेम नहीं ले सकते हैं। सो अब बात करेंगे प्रीमियम के। माय हेल्थ कोटि सुरक्षा प्लान में प्रीमियम्स क्या है। सो सारे फीचर्स जो भी हमने बात करे प्लान ABCD सारे इनबिल्ट है। और अगर हम बात करेंगे प्रीमियम की तो 10 लाख का जो प्लान है, जिस प्लान ए, उसमें प्रीमियम है 3611। प्लान बी है जो 25 लाख का है, उसका प्रीमियम है 6531। और प्लान सी जो आपका 50 लाख का है वहां पे प्रीमियम है 11395। और प्लान डी जो 1 करोड़ का है वहां पे प्रीमियम है 21172। सो दिस इज इंडिविजुअल प्रीमियम और 18 ईयर से लेके 80 ईयर्स तक प्रीमियम सेम रहेगा। मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी आप ले सकते हैं, डिपेंडेंट स्पाउस और किड्स ऐड कर सकते हैं इसमें, सब्जेक्ट टू उनकी क्या इनकम है कि नहीं है, अकॉर्डिंगली सम इंश्योर्ड डिसाइड किया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट माई हेल्थ कोटि सुरक्षा प्लान फ्रॉम HDFC अर्गो। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल ID नीचे है, आप बात कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं, प्लीज बताइएगा। एंड ऑल्सो अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।